वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हतेजी। आज हमने नेक्स्ट जो लेक्चर है वो स्टार्ट करना है 7.1 एक्सरसाइज से, ठीक है। तो बेसिक्स मैंने आप लोगों को इसलिए स्लो स्लो समझाई थी ताकि आप लोगों को फिर जब एक्सरसाइज हो तो आप लोगों को मुश्किल ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल कुछ लोगों स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है नया टॉपिक हो, ठीक है। तो मैंने बहुत आसान आसान तरीके से आप लोगों को समझा दी थी, ठीक है। और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है 7.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है। आप लोग बुक से क्वेश्चन पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैं भी बुक ओपन करती हूँ। तो ये मेरे सामने बुक है, उसमें एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 आ रही है, ठीक है। तो इसमें उसने क्या कहा है, पहला क्वेश्चन देखें। राइट द वेक्टर पी क्यू कोई वेक्टर है, ठीक है, यानी कि उसका पी पॉइंट है, कोई क्यू पॉइंट होगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। अब देखें इसमें जो वेक्टर्स लिखे हुए हैं उसमें एक्स और यानी कि आई और जे के जो वेक्टर्स हैं, या पी क्यू जो वेक्टर, उसके जो पी क्यू वेक्टर उसके ऊपर उसने एरो लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने अगर वेक्टर्स लिखने हैं, वेक्टर लिखने हैं, आप आई के ऊपर हैट और जे के ऊपर हैट भी लगा सकते हैं, जैसे फिजिक्स में स्टूडेंट्स लगाते हैं, ठीक है, या आई जे के नीचे लाइन भी लगा सकते हैं छोटी सी, वो इसके कोई रोक टोक नहीं है, आप जैसे मर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है। तो पी क्यू दो पॉइंट जीरो इस तरह सेकेंड पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको कराऊंगी फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये एक्स और यानी कि पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। तो आपने क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है। इसको दो तरीके हैं, ज्योमेट्रिकल भी है और फिजिक इसको मैथमेटिकल भी कर सकते हैं हम। ज्योमेट्रिकली पहले मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसमें हमने स्टार्ट किया, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई, और पी पॉइंट दिया हुआ टू और थ्री, यानी कि टू उसका एक्स कंपोनेंट है और थ्री उसका क्या है वाई कंपोनेंट है। इस तरह क्यू जो है सिक्स और माइनस टू दिया हुआ है, दोनों को हमने एक्सिस में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पी पॉइंट भी हमने ड्रॉ कर लिया कि हमारे पास क्या आ रहा है, टू और थ्री आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हो सकता है पी थोड़ा सा आगे आए क्योंकि ये सेकंड पॉइंट पर होगा, ये आप हम ठीक कर लेना है, ये पी की टेल है, ठीक है। क्यू पॉइंट सिक्स और माइनस टू है, माइनस टू नीचे मतलब एक्स वाई एक्सिस का नेगेटिव नंबर है तो नीचे आएगा हमारे पास, ये ज्वाइन करके हमने वेक्टर बना लिया, मतलब ये वेक्टर हमने निकालना है पी क्यू, ये हमें चाहिए। तो वेक्टर निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, ठीक है, पी क्यू अगर आपके पास कोई से दो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, जैसे ये मैंने नीचे लास्ट में देखे क्या लिखा है, पी यू कोई एक्स वन वाई वन है और क्यू कोई एक्स टू वाई टू है, तो आपने पी क्यू अगर निकालना तो आपने क्या करना है, एस कंपोनेंट में से क्यू जो सेकंड पॉइंट है ना, यानी कि पी और क्यू वेक्टर निकालना तो क्यू सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट निकाल देना है और वाई कंपोनेंट में से वाई कंपोनेंट और आई और जे तो साथ में आएगा, ठीक है। यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन कर देना है, आई हैट आ जाएगा और वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि एक्स टू किसका कंपोनेंट है, क्यू का, उसमें से ये पी का एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स वन है, एक्स में से एक्स निकाल दिया और वाई वाई कंपोनेंट में से वाई निकाल देना, उसका क्यू का क्या है वाई टू और फर्स्ट सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले की निकाल लें वाई टू माइनस वाई वन, तो आई और जे। इसी तरह हमने क्या किया है, पी हमारे पास क्या था, हमारे पास पी आ रहा था टू और थ्री आ रहा था और ये हमारे पास क्या आ रहा था, क्यू सिक्स और माइनस टू आ रहा था, तो हमने क्या करना है, एक्स कंपोनेंट क्यू का क्या है सिक्स और पी का हमारे पास क्या है टू है, तो सिक्स माइनस टू कर दिया। इसी तरह हमारे पास क्यू का एक्स वाई कंपोनेंट क्या आ रहा है, माइनस टू और माइनस किया, ठीक है। क्या करना है, वाई पी का ही हमारे पास पी का हमने क्या करना है, वाई कंपोनेंट माइनस करना है, यानी कि क्यू के वाई कंपोनेंट में से पी के वाई कंपोनेंट माइनस करना है, तो माइनस टू में से माइनस क्या कर दिया, थ्री कर दिया, तो फिर आप आंसर निकालेंगे फोर आई प्लस जे हैट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट भी होगा, ठीक है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। यू वेक्टर आपको कोई दिया हुआ है, ठीक है, ये यू वेक्टर्स जो नीचे दिए हुए हैं तीन किस्म के दिए हुए हैं, ठीक है। आपने क्या निकालना है, इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकाली, यानी कि वेक्टर दिया हुआ है और आपने वेक्टर की क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकाल दी है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाली है, यू वेक्टर हमने फर्स्ट वाला ले लिया, टू आई प्लस माइनस सेवन जे दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फाइंड आउट करने ये मैंने ब्रैकेट में लिखा, आपने यूज़ नहीं करना। फॉर्मूला जो यूज़ होगा, ए की मैग्नीट्यूड लिखने का क्या तरीका होता है, ए वेक्टर और नॉर्म लगा दी, ठीक है, अंडर रूट एक्स के स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर। आपकी बुक में जहाँ जहाँ नीचे लाइंस लगी हुई हैं आप लाइंस लगा सकते हैं वेक्टर के नीचे। मैं लाइंस के थ्रू भी एक सॉल्व करके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब बेशक वैसे कर लें, बेशक ऐसे कर लें, कोई यू वेक्टर दिया हुआ है, यू वेक्टर को लिख लेंगे, यू वेक्टर के आगे नॉर्म लगा, नॉर्म का मतलब है जो मैं ये जो स्ट्रेट लाइंस लिखी हुई है ना साइड पे उसकी बात करूँ, नॉर्म का मतलब होता है लेंथ किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे पास अंडर रूट आ गया टू का स्केयर, यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्केयर और प्लस क्या करते हैं वाई कंपोनेंट का स्केयर और अंडर रूट ले लेते हैं। एक्स कंपोनेंट है टू, टू का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट है माइनस सेवन, माइनस सेवन का स्केयर, दोनों को ऐड किया मतलब प्लस किया, ठीक है, और अंडर रूट ले ले रहे हैं। अंडर रूट लिया आपने, टू का स्केयर फोर प्लस माइनस सेवन का स्केयर क्या आ गया, फोर्टी नाइन,
दोनों को ऐड किया 53 अंडर रूट 53, ये हमारा आंसर है। सिंपल मैग्नीट्यूड निकालने का यही तरीका, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लें, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लें, दोनों को ऐड करें और फिर क्या कर लें, अंडर रूट कर लें। तो ये सिंपल तरीका है किस क्या आपका मैग्नीट्यूड निकालने का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यू इज इक्वल टू 2i-7j और वी इज इक्वल टू i-6j और डब्ल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास तीन वैक्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं, -i+j दिया हुआ है, ठीक है। हम बुक से भी देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ़ यू इज इक्वल टू 2i-7j एंड वी इज इक्वल टू i-6j एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू -i+j, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। फर्स्ट वेक्टर है u+v-w, फर्स्ट वाला मैं करवाऊंगी, बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोगों की असाइनमेंट है। सेकंड में क्या होगा, देखें 2u-3v+, मतलब आपने पहले 2u निकालोगे, 2u का मतलब क्या है आपको पता है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो u को आप क्या करेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब u आपके पास क्या आ रहा है, 2i-7j आ रहा है, तो आप जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4-14j, ठीक है। इस तरह 3 को आप जब क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3i-18j बन जाएगा। इस तरह 4 को जब आप w से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -4i+4j बन जाएगा। और 1/2 अगर लिखा हुआ है तो 1/2 का क्या मतलब होगा, 1/2 u का मतलब होगा कि 2/2 मतलब 1i बन जाएगा, यानी कि -7/2j बन जाएगा, मतलब दोनों को अलग अलग क्या करना है, आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, तो वो क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं, हमने क्या निकालना है, u+v-w निकालना है, ठीक है। u+v-w आपने क्या लिखा, पहले u लिखा फिर v की वैल्यू लिखी, यानी कि u+v है u 2i-7j प्लस w है i-6j आ गया, माइनस आ गया आपके पास w -i+j आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने i को i कंपोनेंट, y को y कंपोनेंट, मतलब क्या क्या करना है, i के साथ सारे x कंपोनेंट इकट्ठे कर लेने हैं और j के साथ सारे y कंपोनेंट ऐड करके लिख लेने हैं, जो ऐड आ रहा है, सप्रेशन आ रहा है, जो भी आ रहा है बीच में। अब ये पहले का क्या है, हमारे पास x कंपोनेंट 2 है, दरमियान में प्लस आ गया, ठीक है। फिर दूसरे का x कंपोनेंट क्या आ रहा है हमारे पास, क्योंकि u के बाद v ऐड हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, तो आपने दरमियान में क्या लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट क्या आ रहा था, माइनस i आ रहा था, यानी कि -(-i) यानी कि नेगेटिव w आ रहा है ना, तो w का जो x कंपोनेंट है वो क्या आ रहा है, -1, यानी कि 2+1 -(-1), क्यों, क्योंकि u प्लस w था और -w था, -1 जो ओरिजिनल आ रहा था और एक माइनस उसकी वैल्यू थी -(-1), ठीक है। इस तरह x कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा, -7+-6 -(+1), ठीक है। ये दरमियान में प्लस और माइनस आ रहे हैं ना वेक्टर्स के, यानी कि u प्लस w है और यू प्लस वी है और माइनस डब्ल्यू है, यानी कि यू और वी के एक्स कंपोनेंट दोनों ऐड होंगे और उनमें से एक्स कंपोनेंट किसका माइनस होगा, डब्ल्यू का। इस तरह यू के वाई कंपोनेंट्स ऐड होंगे और उनमें से माइनस किसका होगा, डब्ल्यू का वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो आपने बाकी सिंपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो करके आपने आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे है हमारे पास, ये देखें इसके बाकी पार्ट्स, यानी कि 2u-3v+4w, इसी तरह मतलब वो भी होंगे, ठीक है। यानी कि 2u पहले आप निकालेंगे, 3v और 4w पहले निकालें या बेशक अंदर निकाल लें, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों ने ये सारे कर लेने हैं अच्छी तरह। तो इसके बाद आज हमने किया क्या है कि PQ वेक्टर निकाला है, PQ दो पॉइंट्स हो तो उसमें से कैसे निकालते हैं, x में से x कंपोनेंट निकाल लेते हैं, y में से y कंपोनेंट और y और j साथ में लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यानी कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, अगर z कंपोनेंट होता तो हम उसका भी स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें थर्ड पार्ट है ना इसका 2 का, उसमें क्या 3 और -4 दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 और इसको ये वेक्टर लिखने का तरीका है, ये आप इस तरह भी ले सकते हैं कि इसको ब्रैकेट्स में बंद करके, तो जो पहले कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट होगा, जो दूसरा कंपोनेंट है वो y कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट है वो z कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u वेक्टर। ये भी इसका ये मतलब है कि u इज इक्वल टू, अगर ये ब्रैकेट में 3 और -4 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि u इज इक्वल टू हमारे पास 3i-4j आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप इसको u इज इक्वल टू पहले लिख रहे हैं अपनी मर्जी, आप 3i-4j, तो फिर आगे आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन था कि आपको तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपने उनको ये जो उन्होंने निकालने के लिए कहा था वो आपने क्वांटिटीज निकाल ली हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो नेक्स्ट हम फिर लेक्चर में अगला स्टार्ट करेंगे अपना,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से 5 से 6 से, ठीक है। और आप लोग अच्छे से लेक्चर्स देखें, इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चलें, खुदा हाफिज़।